नमस्कार, स्वागत है आपका डीएसके टॉक्स के इस नए वीडियो में। कल सलमान खान के शो में सलमान खान की ही इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि कॉलर ऑफ द वीक को भी ठीक 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 मतलब बंदूक से गोली मारने की बात कर रहा था पारस छाबड़ा। अब इसे आप चाहो तो कुछ भी कह सकते हो। कंटेस्टेंट जो है पारस छाबड़ा, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी बेवकूफी कि ना तो वो होस्ट को कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है और ना ही कॉलर ऑफ द वीक। कॉलर ऑफ द वीक मतलब कौन? जनता का प्रतिनिधि। मतलब पारस छाबड़ा के लिए जनता की कोई औकात नहीं है, जबकि वो उस शो के अंदर है जिसमें बार बार बिग बॉस और होस्ट खुद कहता है कि ये जो शो है इसमें जो भी होता है वो जनता के विवेक पर निर्भर करता है। जनता जिसको निकालना चाहती है उसको जनता निकालती है, जनता जिसको लाना चाहती है उसको भी जनता ही लाती है, घर में जो कुछ खाना बनता है वो भी जनता ही तय करती है। तो जनता को जब मेकर्स ने टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रखा है तो ये पारस छाबड़ा क्यों नहीं ले भाई? ये भी जरूर लेगा ना, और ज्यादा पीछे जाने की बात नहीं है। इसी बिग बॉस 13 के अंदर सुल्तानिया खड़ा हुआ था जहां सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस सिद्धार्थ डे का मुकाबला चल रहा था। सिद्धार्थ डे हार रहा था और उसी दौरान सलमान खान की मौजूदगी में इसी शो में सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट शहनाज गिल सलमान खान के सामने वो अपना जो लिविंग रूम एरिया है वो छोड़कर लात मार के बेडरूम में चली जाती है और सलमान खान चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। मैंने उस दिन के भी मेरे रिव्यू में कहा था कि सलमान खान को पता नहीं क्या हो गया। उनकी एक जमाना था जब सलमान खान की मौजूदगी में कंटेस्टेंट थर-थर कांपते थे, चुप रहते थे कि यार सामने सलमान खान खड़ा। और मैंने अपने रिव्यू में हमेशा कहा ये बात कि सलमान खान का वो दबंग वाला मोड, दबंग अवतार आजकल मिसिंग है, जिस वजह से कंटेस्टेंट उनको दो कौड़ी की इज्जत नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब मैं ये कहता हूं तो मेरे ऊपर सलमान खान का हेटर का टैग लगता है। लोग मेरी बातें समझते तो है नहीं, क्योंकि मैं समय से काफी पहले बातें करता हूं। आप देखते जाइए जैसे जैसे शो में जो हो रहा है ये सारी बातें मैं काफी पहले ही बयां कर चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन ओरिजिनल को कोई नहीं देखता है। यही चीजें जब होती हैं तो कई सारे रीमेक आ जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ चलन है। बॉलीवुड की फिल्में देखो ना, पुराने फिल्में, पुराने गाने हैं, उस समय शायद इतने नहीं चले लेकिन उनके रीमेक बहुत ज्यादा चलते हैं। तो जैसा कि मैंने उस दिन सोचा था, जैसा कि मैंने अपने रिव्यूज में हमेशा बयान भी किया कि सलमान खान चुप रहते हैं और कंटेस्टेंट उनको दो कौड़ी की इज्जत नहीं देते, तो ये कंटेस्टेंट की बेवकूफी या उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये सलमान खान की खुद एक होस्ट के नाते बहुत बड़ी नाकामी है कि उनकी मौजूदगी में उसी शो में जिसके वो होस्ट है और उसी शो के कंटेस्टेंट सलमान खान की बुराई करते हैं, पीठ पीछे उनकी इंसल्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और वो जनता जिसने न सिर्फ इस शो को इतने सालों तक हिट बनाया, सलमान खान को सलमान खान बनाया, उसी शो में आया हुआ एक कंटेस्टेंट जनता को बाहर निकलकर गोली मारने की बात कर रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि ऐसा घटिया मेंटेलिटी वाला इंसान इन लोगों को मिला है एक कंटेस्टेंट के रूप में। ये पारस छाबड़ा कौन है? ये शहनाज गिल कौन है? मैं तो जानता भी नहीं था इनका, तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था, लेकिन बिग बॉस और सलमान खान को ये लोग एक सेलिब्रिटी के रूप में मिले। तो अब आप ऐसे चूतिया मेटिक और थर्ड क्लास और बकवास लोगों को लेकर आए हो तो ऐसे लोग अब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही बहुत बड़ी फेलियर है। एक बात और, मैं बिग बॉस मराठी के टाइम से और अभी भी कहता रहता हूं कि प्रॉपर फीडबैक ना दिया जाए तो फिर अच्छे अच्छों का खेल खराब हो जाता है। प्रॉपर फीडबैक अगर उसी दिन शहनाज गिल को दिया जाता कि यहाँ डिग्निटी और डेकोरम मेंटेन करके चलो, तो शायद पारस छाबड़ा की इतनी औकात नहीं होती कि वो सलमान खान के बारे में उन्हीं के शो में इतना बोलता कि सलमान सर का चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो रहा। मतलब इसकी औकात आप समझ जाइए कि ये खुद को क्या समझ रहा है। हालांकि कई लोग मुझे भी कहेंगे कि भाई तुम भी तो सलमान को इतना बुरा भला बोलते हो। भाई मैं तो उनके अच्छे के लिए बोलता हूँ, और जिस अच्छे के लिए मैं बोलता हूँ या जिस वजह से मैं बोलता था कि सलमान खान को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, शो देखना चाहिए, अच्छी होस्टिंग करनी चाहिए, उसके नतीजे अब आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर सलमान खान डे वन से स्ट्रिक्ट होते तो किसी के बाप की औकात नहीं होती कि सलमान के शो में आकर सलमान को ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, यार ये मेरे साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकाल दो मेरे को। तो अब अगले वीकेंड पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं नहीं बोलते। इसको मैं पारस छाबड़ा की बेवकूफी, ओवर कॉन्फिडेंस या शहनाज गिल का एक एरोगेंस या बेवकूफी नहीं, बल्कि मैं तो इसको सलमान खान की एक होस्ट होने के नाते बहुत बड़ी फेलियर और नाकामी मानता हूं। आपने ही सपोलों को पाल पोस कर इतना कॉन्फिडेंस दे दिया आपके शो में, जिस शो को लोग आपकी वजह से देखते हैं, और उसी शो में जो कंटेस्टेंट हैं
वो आपकी रिस्पेक्ट करने के बजाय आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी आपकी फेलियर और नाकामी हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ उस एपिसोड में जब ये पारस छाबड़ा ऐसी बकवास कर रहा है तो उसके साथ में माहिरा शर्मा बैठी हुई है। वो माहिरा शर्मा जो आसिम के मुंह से निकले शब्द पकड़ लेती है, क्या बकवास करता रहता, कुछ भी बोलता रहता, बोलने के लिए बोलते हैं बस, ये तमीज नहीं है, बदतमीज मिस मेबलिन, ये नहीं मिस मेबलिन सीरियसली बनने वाली है, वो एक बदतमीज करती थी, ये यहाँ तमीज की ब्रांड एम्बेसडर बन रही, खुद में कितनी तमीज दिखाई दे रहा है। इसे सिद्धार्थ शुक्ला के मुंह से निकली बात है या आसिम रियाज के मुंह से निकली बात है, पर तो इनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि बकवास कर रहा है, जुबान पे लगाम दे, खुद भी बकवास कर रहा है। लेकिन यही मायरा शर्मा इस पारा छाबड़ा के साथ में बैठकर उसकी बकवास सुन रही है, कॉलर को बाहर जाके गोली मार देगा, देख लेगा सलमान का चिड़चिड़ करता है। तब इसके मुंह से नहीं निकला कि तू क्या बकवास कर रहा है, तमीज से बात कर, तू शो के होस्ट के बारे में बात कर रहा है। और ऐसे में लोग फिर बोलते हैं कि मैं बहू गैंग के खिलाफ हूं, है ये माहिरा किसमें बहू गैंग में ही तो है, ये पारस छाबड़ा किसमें है बहू गैंग में ही है, लेकिन आपको इनकी गलतियां नहीं दिखेंगी। और अगर फिर मैं सही बात रखूंगा, सच्ची बात करूंगा, तो मेरे ऊपर तो कई तरह के स्टिकर चिपकेंगे, कोई मुझे पीआर बोलेगा, कोई मुझे हेटर बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, नफरत फैलाने वाला, नेगेटिविटी फैलाने वाला। मैं हमेशा सही और सीधी बात करता हूं, लेकिन कल हो गया भैया, सही और सीधी बात लोगों को इजीली समझ में नहीं आती, लोगों को झूठे प्रोपेगेंडा वाली और बकवास चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो जो हमने बोला वो अब आपके सामने दिख रहा है। तो मैं तो कहीं से कहीं तक सरप्राइज हूं नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले से आवाज था जब शहनाज गिल कर सकती है तो फिर और कोई कंटेस्टेंट भी कर सकता है। चलो थैंक गॉड, भगवान ने आपको ये चीज बड़ी जल्दी दिखा दी। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लगता कि अगले वीकेंड सलमान खान को तबियत से क्लास लेनी चाहिए और इस कुत्ते के बच्चे पारस छाबड़ा को निकाल देना चाहिए। इसने खुद ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसने ही सेकंड वीक में बोला था, अगर मैंने शहनाज गिल से बात करी तो कुत्ते का बच्चा, शहनाज गिल से वो बात कर रहा है, तो उसने खुद को कुत्ते का बच्चा साबित कर दिया। तो ऐसे कुत्ते के बच्चे को इंसानों के शो में रहने का तो कोई हक है नहीं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस। क्या आपको नहीं लग रहा कि सलमान खान अगर डे वन से ही स्ट्रिक्ट होते तो किसी के बाप की औकात नहीं थी कि सलमान के शो में आकर सलमान को ही चार बातें सुना दे। कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। और हाँ, पारस छाबड़ा के फैंस आ जाओ गालियां देने। थैंक यू सो मच।